व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जल्दी से जाओ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि गाइस आज की वीडियो का मैं लाइक एम 10,000 लाइक का, और भाई साहब 1500 कमेंट कर रख रहा हूँ। कमेंट में गाइस आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, माइकल ओपी, ट्रेवर ओपी, आपका नाम, मेरा नाम, कुछ भी लिख सकते हो। बस 1500 कमेंट का जो छोटा सा टारगेट है ना गाइस, वो आप लोग बस मेरे भाई बन के कंप्लीट करवा देना। तो गाइस अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी तो आप लोग को याद ही होगा भाई, हमारी फैमिली को पता नहीं किसने किडनैप कर लिया था बहुत टाइम पहले। देन उसके बाद जब मैं फ्रैंकलिन के घर पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि फ्रैंकलिन किडनैप हो चुका है। तो भाई मैंने फ्रैंकलिन घर पे काफी सारे बॉडीगार्ड्स को, ब्लैक सोल्जर्स को खत्म किया। देन उसके बाद मुझे फ्रैंकलिन के ड्रॉअर पे ना एक नोटिस नोट मिलता है, और वो नोट पे पता क्या लिखा होता है, फ्रैंकलिन किडनैप हो चुका है। दूसरी बात, अगर तुमको तुम्हारी फैमिली चाहिए तो तुम इस लोकेशन पे पहुंचो। तो भाई साहब मैं एक बंदे की लोकेशन पे पहुंचता हूँ, वो बंदा मुझे आगे एक और काम दे देता है। वो मुझे बोलता है कि तुम मेरे लिए एक बिलियनर के घर में से 5 सुपर लग्जरी कार्स चुरा के लाओ। भाई साहब मैं उस बंदे को कार्स चुरा के लाके दे देता हूँ। देन उसके बाद वो मुझे लोकेशन देता है। लोकेशन लेने के बाद भाई साहब मैं एक टनल में जाता हूँ। वो टनल एक और मैजिकल भाई चीज हुई होती है, हमारे साथ इतने स्कैम हो रहे होते हैं भाई। वो जो एक पासवर्ड दिया होता है, मैं अपने बॉडीगार्ड को बोलता हूँ भाई पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर। जब बॉडीगार्ड पासवर्ड एंटर करता है देन उसके बाद एक टनल का दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। गाइज अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी ना तो भाई वो वीडियो देख के आना, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल खतरनाक वो वीडियो बनी थी। तो भाई साहब अपनी फैमिली यहाँ पे आ चुकी है। अमेंडा यहीं पे बैठ के ना यही बात कर रही थी कि माइकल तुमने बहुत सारे बुरे काम करे हैं, बहुत सारे क्राइम्स करे हैं, अब ये कुछ नहीं चलेगा, या तो हम तेरे साथ रहेंगे या तो फिर वो क्राइम्स करेगा। भैया मैंने आप लोगों से गाइस पहले भी पूछा तो मैं आज भी पूछ रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ या फिर मैं बुरे काम करूँ। भाई साहब अपनी फैमिली ने हमको सारी जगह से घेर के यही बोला है कि आज से माइकल कोई बुरा काम नहीं होगा, क्योंकि आए दिन कभी मिलिट्री, पुलिस और FIB के चर्चे चलते रहते हैं। और FIB का मैंने अमेंडा को बोल दिया, पुलिस मिलिट्री FIB का लेसर एक बहुत बड़ी हाइस्ट बना रहा है। वो हाइस्ट बिल्ड होने के बाद, जब वो हाइस्ट हम कर लेंगे, उसके बाद भाई साहब FIB मिलिट्री वाले और पुलिस वाले अपना साथ छोड़ देंगे। तो भाई साहब यही मुझे अमेंडा ने बोला कि ये तुम्हारा लास्ट काम रहेगा, अगर तुमने इसके बाद कोई भी क्राइम करा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे। तो गाइस मुझे भाई मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ, बस आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग बोलोगे कि भाई फैमिली छोड़ दे, भाई साहब हम फैमिली छोड़ देंगे, पर हाँ ये डिसीजन लेना भाई आसान नहीं है, बट बस आप लोग कमेंट करो यार, ठीक है ना। तो बाकी हाँ गाइस यार अभी गाइस मैंने ना आज पहली बार देखा इस घर के अंदर ना एक लाइब्रेरी भी, कितनी सारी बुक्स रखी है। ये जगह ना मैंने आज पहली बार डिस्कवर करी है, इतना बड़ा घर है ना मैं खुद ही घूम जाता हूँ। और इधर भी भाई दरवाजे बने हुए हैं, मुझे नहीं, अच्छा ओके तो ये तो बालकनी का है, ओके तो इधर भी एक दरवाजा है, आई थिंक इधर भी बालकनी का दरवाजा होगा, नहीं भाई ये बेडरूम का है। भाई साहब बहुत सारे रूम्स है, मैं खुद ही घूम जाता हूँ भाई। ओके गाइस यार, तो बाकी हाँ गाइस अभी यार बस मुझे यही करना है। एक मुझे यार यहाँ पे भी दरवाजा दिख रहा है, ये भी कोई बालकनी का दरवाजा है यार, यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, मुझे एक बार देखना है बस। ओके तो यहाँ पे भी बेडरूम है, तो चलो छोड़ो गाइस। क्या आप भी खेलने का डबल मजा चाहते हो, बट कैसे? बॉक्सेव फैंटेसी ऐप पर, जहां आपको मिलते हैं ₹50 कैश ऑन साइन अप एंड ₹50 कैश ऑन KYC। और इतना ही नहीं, आप अगर डिपॉजिट मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं welcome100 तो गाइज आप लोग को 100% कैश बैक भी मिलेगा। क्यों, हुआ ना खेलने का डबल मजा? देखा है कहीं इतना सारा ऑफर वो भी एक साथ? तो सोच क्या रहे हैं, आप भी डाउनलोड कीजिए बॉक्सी फैंटेसी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ एक सीक्रेट बात, आप अपनी गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, चाहे सुट्टा वाला दोस्तों को इनवाइट करके तो आप लोगों को ₹100 कैश बोनस भी मिलेगा, जिससे आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और जीता हुआ पैसा आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। ये पैसे को आप UPI, e-wallet, Paytm, PhonePe से ट्रांसफर भी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। सोचिए मत, ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए बॉक्सी फैंटेसी ऐप को, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज हमारे लिए गुड न्यूज है,
बैनी जो है ना वो लिबर्टी सिटी से वापिस आ चुका है। और आप लोग बोलोगे बैनी लिबर्टी सिटी कब गया था और क्या करने गया था। बैनी लिबर्टी सिटी नेक्स्ट लेवल कार मॉडिंग सीखने के लिए गया हुआ था, कार अपग्रेडेशन सीखने के लिए गया हुआ था। बैनी ने मुझे आज पता क्या बोला गाइस, बैनी ने मुझे सुबह सुबह कॉल करके बोला कि वो लॉस सैंटोस वापिस आ चुका है और वो मुझे बोल रहा है कि तुम जंक यार्ड जाओ, एक खटारा से खटारा गाड़ी लेके आओ, क्योंकि वो मुझे एक खटारा गाड़ी से बहुत नेक्स्ट लेवल गाड़ी अपग्रेड करके या मॉडिफाई करके वो मुझे देने वाला है। मतलब वो मॉडिफाई मॉडिंग सीखने गया हुआ था लिबर्टी सिटी में बैनी। भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात है यार अपने लिए। और बैनी ने मुझे कहा है कि और सारे काम माइकल साइड पे रख दे, बस मुझे जंक यार्ड से ना एक टूटी फूटी कुछ भी गाड़ी ला दे जो थोड़ी मोटी मतलब देखने में सही हो। तो गाइज अभी मुझे फटाफट से बैनी के पास जाना है, बैनी के पास से मुझे टो ट्रक लेना है या जो भी ट्रक वो देगा वो मुझे लेना है और उसके बाद मुझे जंक यार्ड जाना है। तो जंक यार्ड जाने से पहले गाइज आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम जब लेस्टर से मिलने गए थे हमने अपनी बुगाटी अटलांटिक उसी के घर में छोड़ दी थी। भाई मुझे उसको भी लेके जाना है और मैंने इसके गैराज में ना उसकी रेंज रोवर भी खड़ी कर रखी है। उसको उसने मुझे कॉल करके बोला कि भाई मेरी रेंज रोवर दे दे, उसको मैं उसकी रेंज रोवर दे दूंगा और मैं अपनी बुगाटी अटलांटिक उठा के जल्दी से निकलूंगा बैनी के पास। अबे यार गैराज तो उधर है भाई, मैं किधर आ गया। तो चलो गाइस यार मैं फटाफट से गैराज से अपनी रेंज रोवर निकालता हूं और फटाफट से निकलता हूं लेस्टर के घर की तरफ। तो चलो गाइस यार ये रही अपनी रेंज रोवर। तो चलो गाइस यार अभी इस रेंज रोवर में बैठते हैं, अभी फटाफट से ना ये रेंज रोवर अभी भाई साहब ये लेस्टर को दे देते हैं रेंज रोवर। भाई कब से लेस्टर बेचारा मांग रहा है। और ये जो बॉडीगार्ड्स है ना गाइस ये अभी के लिए यहीं पे रहेंगे। मैंने लेस्टर से बात कर ली, मैंने उसको बोला कि मैंने कहा तुमको अपने बॉडीगार्ड चाहिए, वो बोल रहा है कि मैं बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर लूंगा। इनकी उसने भाई 7 दिन की फीस दे रखी है, वो बोल रहे 7 दिन का पूरा इस्तेमाल करना। तो मैंने तो भाई इनको बोल दिया कि तुम मेरे घर की पूरी सिक्योरिटी करना जब तक भाई तुम्हारे 7 दिन के पैसे पूरे ना हो जाए। बाकी मैंने यार लेसर से ये भी बात करी है कि मुझे बॉडीगार्ड्स चाहिए भाई, अपने लिए कम से कम जो 10 बॉडीगार्ड चाहिए। और जब तक अपने पास ये वाला बड़ा घर है ना, जब तक अपना FIB वाली हाइस्ट वाला जो सीन है वो लेसर रेडी कर रहा है, जब तक वो सब कुछ रेडी नहीं होता तब तक के लिए तो मुझे कम से कम 10-15 बॉडीगार्ड चाहिए, क्योंकि FIB का कोई पता नहीं है। इस घर पे भी हमला बोल दे वो भाई तो बच के हमको रहना पड़ेगा। अभी सबसे पहले गाइस अपन को बैनी का काम करना है, बैनी को जंक यार्ड से कोई गाड़ी लेके देनी है। पहले मुझे ना बैनी ने एक नया ऑफिस खरीदा है, बैनी ने अपने लिए एक नया गैराज खरीदा, वहां पे भी जाना। तो फटाफट से गाइस मैं निकलता हूं लेस्टर के घर पे, लेस्टर को ये वाली उसकी गाड़ी दे देता हूं, देन उसके बाद अपनी बुगाटी अटलांटिक वहां से लेके सीधा निकलेंगे बैनी के पास। तो चलो गाइस यार मैं भी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूं और जल्दी से निकलता हूं लेस्टर के घर की तरफ। ओके गाइस मैं अपनी गाड़ी को भाई साहब भगाता काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूं और मुझे ये वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट लेना है, क्योंकि भाई लेस्टर ने ये वाला नया वाला घर तो ले लिया है पर मुझे भाई थोड़े मोटे रास्ते नहीं पता चलते। और ये देख लो बंदे ने गाड़ी ठोक ली भाई साहब, अपने से बढ़िया तो भाई साहब लेस्टर ही है। देख रहे हो कितनी सारी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रहता है, मतलब अपने घर के अंदर इतने सारे सिक्योरिटी मेंबर्स हैं भाई इसके पास। तो चलो यार गाइस इसकी गाड़ी अपन भाई बिल्कुल साफ सुथरी यहीं पे लगा देते हैं और अपनी बुगाटी अटलांटिक लेके चलते हैं। मैं अभी लेस्टर से भाई मिलने विलने नहीं वाला यार, अभी भाई लेस्टर से बात करूंगा तो भाई वो अपना, ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि थोड़ी अपग्रेड करवाई गई है गाड़ी। भाई पहले मेरी बुगाटी अटलांटिक के नीचे ये नियॉन लाइट्स नहीं थे। ओ भाई इसकी तो स्मोक भी, भाई ये पक्का लेस्टर लेके गया होगा यार मेरी गाड़ी को। और उस बंदे ने भाई नीचे नियॉन लाइट लगवा दी और जो पीछे इस टायर की स्मोक है ना वो भी रेड करवा दी। क्या ही लग रही है भाई, रेड स्मोक तो देख रहे हो क्या लग रही है भाई साहब। और भाई नीचे नियॉन लाइट्स यार अगर थोड़े से कोई और, गाइस यार आप लोग कमेंट में बताओ यार इसके नियॉन लाइट्स कौन से कलर के होने चाहिए, क्योंकि यार ब्लू कलर की गाड़ी और ब्लू कलर के ही नियॉन लाइट्स थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा, बाकी आप लोग बताना यार। तो चलो यार अपन को अपनी भाई बुगाटी अटलांटिक मिल चुकी है और गाइस ये तो गाड़ी भाई साहब हवाओं से बातें करती जाती, थोड़ी सी ठुक गई कोई बात नहीं, अपन अभी बैनी के पास जा रहे हैं, बैनी को बोल देंगे भाई तुम इसको रिपेयर भी कर ही देना। और भाई साहब अभी मुझे नहीं पता भाई बैनी ऐसी क्या मॉडिफिकेशन सीख के आया जो मेरे पीछे ही लगा पड़ा है कि मुझे तुम एक गाड़ी ला के दो, मैं तुमको एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ। ऐसी क्या गाड़ी मुझे वो गिफ्ट करना चाहता है गाइज, आप लोग को अगर पता हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना। तो बाकी हाँ गाइज तो चलो गाइज यार मैं अपनी अभी गाड़ी को भगाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ बैनी के नए वाले ऑफिस की तरफ। तो ओके गाइज मैं अपनी गाड़ी को भगाता भाई साहब काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ और ये बुगाटी अटलांटिक तो भाई हवाओं से बातें करती जाती है। और भाई 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 यही थोड़ी गाड़ी तेज भगाने के चक्कर में
बेनी का जो भाई ऑफिस है वो पीछे रह गया, मतलब ज्यादा पीछे तो नहीं, ये आ चुके हम बेनी के ऑफिस में। यहाँ पे ना बेनी ने अपना नया वाला भाई गैराज खरीद लिया अपने लिए। तो चलो गाइस यार अपनी गाड़ी को भाई सब अंदर कर लेते हैं। ओके तो भाई साहब ये बेनी ने नया गैराज खरीदा अपने लिए, भाई साहब एक बार देखना तो बनता है, क्या ही गैराज है भाई। चलो गाइज यार बेनी से ना एक बार बात कर लेते हैं यार। तो गाइज मेरी ना बेनी से बात हो चुकी है। बेनी बोल रहा है अपनी बुगाटी को तुम यही छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ट्रक ले जाओ जंक यार्ड से ना, कोई अपनी मनपसंद की गाड़ी लेके आना और तुम देखना उसके बाद मैं वो गाड़ी का क्या बना दूंगा। और बेनी बोल रहा है ये मैंने गैराज लिया तुम अंदर से एक बार चेक कर लो। और बेनी बोल रहा है कि यहाँ पे ना एक सीक्रेट जगह है, अगर तुमने वो देख ली ना मैं तुमको मान जाऊंगा। अभी तो भाई इस बंदे ने मुझे चैलेंज करा, तो इसको सीक्रेट जगह अब देखा देख के बतानी पड़ेगी। अच्छा तो ये इसका गैराज है और यहाँ पे भी कोई सीक्रेट जगह नहीं हो सकती, यहाँ पे भी नहीं हो सकती और यहाँ पे भी नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे वो सब टायर्स का काम करता है बेनी। ओके तो मुझे यहाँ पे लग रही जगह वो। ओके गाइस मैं ना भाई अंदर की तरफ आ चुका हूँ, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है यहाँ पे वो सीक्रेट जगह है। और भाई साहब यहाँ पे बेनी अपना इंजन ऑयल्स वगैरह जो भी होता है वो यहाँ से बेचता है, मतलब भाई साहब बेनी भी तगड़ी कमाई कर रहा है भाई। और यहाँ पे सोडा वोडा की देख रहे हो भाई कितनी सारी बॉटल्स रखी है। चल यार एक कोक पीते हैं भाई क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, कोक पीने के बाद ठंडक आ जाएगी भाई मन के अंदर। चलो यार भाई काफी टाइम होगा घर का तो जूस ही नहीं नसीब होने पे आ रहा, कोई बात नहीं यार कोक पी लेते हैं। और यहाँ पे बेनी करता है मीटिंग जो भी होता है, मतलब उसकी मीटिंग करता है यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज के साथ। ओके तो यहाँ पे देख लेता हूँ मुझे यहाँ पे सीक्रेट जगह। भाई यहाँ पे तो कुछ और ही लगा हुआ है। चलो बाहर ये भी ना भाई बेनी भी, तो यहाँ पे बेनी ने अपनी फोटोज वगैरह लगा रखी है, जो जो यहाँ जहाँ से मतलब बेनी ने शुरुआत करी थी उस उसकी फोटोज है। और भाई बेनी का यार सीक्रेट जगह क्यों नहीं मिल रही मुझे, तो यहाँ पे बेनी क्या करता है पता नहीं भाई। एक सेकेंड यार इधर भी कुछ है ना, पर गाइस यार मुझे ना यार बेनी की सीक्रेट जगह नहीं पता चली। ओके भाई साहब बेनी ने ना अपना रेडलाइन शोरूम देखा था ना, अपने रेडलाइन शोरूम में भी हमने ऐसी सीक्रेट जगह बना रखी है, उसी को देख कर बेनी ने अपने लिए ऐसी सीक्रेट जगह बनवाई है भाई। देख रहे हो बेनी भी कमाल का बंदा है भाई। तो चलो यार उसकी हमने ये जगह तो देख ली है भाई, उसने बंदे ने चैलेंज करा था वो जगह तो हमने देख ली भाई, बट बहुत टाइम वेस्ट कर लिया यार हमने। गाइस अभी फटाफट से इसका ट्रक लेता हूँ और फटाफट से चलता हूँ जंक यार्ड पे, क्योंकि वहां से मुझे देखना है मेरे लिए कौन सी गाड़ी है जो मैं बेनी को लाके दूं जो ये अपन को मॉडिफाई करके दे। तो चलो गाइस यार बिना टाइम वेस्ट किए ये वाला ट्रक लेके निकलता हूं मैं जल्दी से जंक यार्ड की तरफ, और वहां पे जाके मुझे देखना पड़ेगा मेरे लायक कौन कौन सी गाड़ियां हैं, और भाई वहीं से मुझे गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। बेनी मेरी बुगाटी अटलांटिक की यार देखभाल कर लेना, इसको कुछ हो तो मत होने देना। तो चलो यार अभी ना अपन ये ट्रक लेके आ चुके हैं, टो ट्रक लेके आ चुके हैं, ये भी टो ट्रक भी बढ़िया भाग रहा है। बेनी ने बोला इस टो ट्रक को भी इसी ने मॉडिफाई करा है, देख रहे भाई कैसे भाग रहा है टो ट्रक, तो भाई 140 की स्पीड पे तो टो ट्रक ही भाग रहा है भाई, गाड़ियां तो क्या ही मॉडिफाई करता होगा यार ये अब तो। तो चलो गाइस यार ये टो ट्रक को लेता हूं और गाइस जल्दी से निकलता हूं जंक यार्ड की तरफ। ओके गाइस मैं अपने भाई टो ट्रक को भगाता गाइस काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ, और मुझे ये वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट लेना है और सीधा जाना है भाई। यहाँ पे ही एक जंक यार्ड है आई थिंक यार, भाई मुझे पक्का याद नहीं। ओके तो गाइस मुझे मिल चुका है जंक यार्ड अपनी गाड़ी को, पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि अभी हमको अंदर जाके अपने लिए कोई गाड़ी देखनी पड़ेगी, कोई ऐसी गाड़ी देखनी पड़ेगी ना जिसको बेनी आसानी से मॉडिफाई कर सके, क्योंकि मुझे ऐसी कोई गाड़ी नहीं चाहिए भाई जिसके टायर ना हो। देखना पड़ेगा यार यहाँ पे तो प्लेन्स वगैरह पड़े, एक काम करता हूँ इधर एक बार गाड़ियाँ चेक कर लेता हूँ। भाई इनके तो टायर्स ही नहीं है यार, यही तो सबसे बड़ी बात है ना यार, मैं नहीं चाहता कि बेनी को टाइम लगे। बेनी एक दो दिन में मुझे गाड़ी दे दे, कुछ ऐसी गाड़ी मुझे देनी पड़ेगी। एक मिनट ये भी थोड़ी ठीक है बट इसका भाई कांच गया यार इसका तो, यार यहाँ पे तो भाई पूरा कबाड़ पड़ा है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा ढंग से, कुछ मतलब मिल ही नहीं रहा ढंग से। और ये तो सारी गाड़ियाँ खराब हो रखी है, ये भी ठीक थी पर इसकी भी विंडो खराब हो रखी है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि बाद में बेनी मुझे बोले कि भाई तुम सामान लेके आओ, सामान कोई और शोरूम से सामान लेके आओ, भाई ऐसा कुछ नहीं मैं चाहता। तो मुझे यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं मिली भाई, यहाँ पे भी तो सारा ही कबाड़ पड़ा है, कुछ भी नहीं मिला। एक मिनट यार मैं मानता हूँ कि इस गाड़ी का ना गाइस
विंडो नहीं है बट इस गाड़ी के टायर्स है यार, वो बात अलग है। वो दोनों टायर आगे खराब हो रखे हैं। पर गाइज यार ये गाड़ी के ना चारों टायर है, तो विंडो का इंतजाम तो बैनी मुझे लग रहा है कर लेगा। पर गाइज यार अगर सब कुछ है तो टायर वगैरह भी है इस गाड़ी को, यार बैनी रंग भी कर लेगा आराम से। बस थोड़ा सा जो काम बचा है वो विंडो का है, बैनी अपने आप इंतजाम कर लेगा। तो चलो यार यही ठीक है, यही ले जाते हैं भाई। और यहाँ पे गाइज मुझे कोई बंदा बंदा तो दिख नहीं रहा जिसको पेमेंट वेमेंट करनी है, नहीं तो भाई उसको पेमेंट कर देते, बाहर में जाए कौन है भाई देख लेंगे। पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं करेंगे, फ्री में ही लेके जाएंगे भाई। तो चलो गाइज यार एक काम करता हूँ, अपने जो ये टोक ट्रक है ना, पहले इसको अंदर लेके चलता हूँ और वही गाड़ी को टो करके ले जाता हूँ। पहाड़ में जाए तुम्हारा ये गेट में। ओके भाई ये है बंदा, तो चलो गाइज यार इससे बात कर लेते हैं भाई। मैं नहीं चाहता भाई फाइट वाइट हो, तो ये भी जा रहा है इसी गाड़ी के पास। तो अंकल जी मुझे ये, ओ भाई एक सेकंड, तेरी भैंस की गन निकाल रहा है भाई, देखा था गाइज एक जंक यार्ड वाले बंदे के पास गन थी। अब तो भाई मैं फ्री में लेके जाऊंगा गाड़ी, मैंने सोचा था चल भाई इसको पेमेंट कर दूंगा, बंदे ने अंदर से गन निकाली भाई। अब तो तू भाड़ में जा, अब तो तेरे को 1% की पेमेंट नहीं करने वाला। तो चलो यार ये गाड़ी हमने अभी अटैच कर ली, अभी इसी को लेके जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ थोड़ा सा ऊंचा उठा लेता हूँ। चलो यार इसको ज्यादा ऊंचा नहीं उठा सकता क्योंकि गाड़ी ना भारी है भाई। तो एक काम करता हूँ ऐसे ही इस गाड़ी को लेके चलते हैं, आराम से आ तो रही है भाई, चल तो रही है। हाँ थोड़ी थोड़ी घिस जाएगी गाड़ी नीचे से, क्या ही जा रहा है भाई, बैनी अपने आप देख लेगा। तो चलो यार अपन को भाई फ्री की गाड़ी तो मिल चुकी है, बैनी को नहीं बताएंगे कि भाई हमको ये फ्री में मिली है, नहीं तो भाई बैनी बोलेगा कि और भी गाड़ियां लेके दे मुझे भाई, ऐसा कुछ नहीं बताएंगे हम बैनी को। तो चलो गाइज यार ये गाड़ी को तो मैंने टो कर लिया, अभी जल्दी से इस गाड़ी अपने टो ट्रक को भगाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ बैनी के नए वाले गैराज की तरफ। क्योंकि भाई साहब अभी ओ भाई 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 एक तो ना गाइज अपनी भाई अपना टो ट्रक भी लहरता हुआ निकल जाएगा, देख रहे हो भाई अपना जो टो ट्रक है ना भाई उस एक सुपर कार से कम नहीं है। तो चलो यार गाइज अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी जल्दी से भगाते इस ट्रक को, फटाफट से निकलता हूँ मैं और फटाफट से गाइज मैं निकलता हूँ बैनी के नए वाले गैराज की तरफ। तो ओके गाइज मैं अपने भाई ट्रक को लेके काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ और भाई मैंने इसको बहुत ज्यादा आराम से चला के लेके आ रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने 2-3 जगह में रास्ते में ठोक दी ये गाड़ी। मैं नहीं चाहता कि भाई ये थोड़ी मोटी काम कर रही गाड़ी और इससे ज्यादा भी दिक्कत आ जाए, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ध्यान ध्यान से लेके आ रहा हूँ। तो चलो यार अपन तो भाई बैनी के नए वाले गैराज पे पहुंच चुके हैं, काम करता हूँ भाई पीछे से लेके जाऊँ। हाँ भाई पीछे से ही लेके चलता हूँ क्योंकि भाई आगे से ना मुझे मोड़ना मुश्किल हो जाएगा गाड़ी को, एक काम करता हूँ पीछे से ही लेके जाता हूँ। हाँ इसका पीछे इधर से ही पड़ता है भाई, एक सेकंड मैंने कोई बंदे देखे हैं, एक मिनट गाइज गाइज यहाँ पे कोई बंदे खड़े हैं और एक सेकंड भाई मुझे कोई, एक सेकंड एक काम करता हूँ पहले यहाँ पे ट्रक लगाता हूँ, मुझे कोई सीन हुआ लग रहा है भाई, यहाँ पे मैंने ब्लैक ऑप्स के बंदे देखे हैं। एक सेकंड गन निकालता हूँ पहले तो बाहर भाई, देखता हूँ क्या दिक्कत है, छुप छुप के जाना पड़ेगा, अगर इन्होंने ब्लैक ऑप्स वालों ने मुझे देख लिया ना ये सीधा मुझे पे अटैक करेंगे। तो चलो गाइज यार मैं तो भाई यहाँ पे छुपता छुपाता आ गया और मैंने भाई एकदम से गन अपनी अंदर रख ली है और मैंने ना गाइज अपनी गन ना जो है अंदर रख ली। और ये देख लो गाइज ये भाई साहब यहाँ पे मारने लगे पड़े हैं और एक सेकंड भाई बैनी या भाई अंदर से शटर ओपन नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे बैनी मुझे लग रहा है फंस चुका है। एक काम करना पड़ेगा ऊपर जाने की भाई कोई जगह वगैरह है तो देखता हूँ भाई, ऊपर से धड़ाधड़ इनके ऊपर गन्स की बारिश कर दूंगा। एक काम करता हूँ यहाँ पे ऊपर चढ़ने की, ओके तो यहाँ पे मुझे ऊपर चढ़ने की जगह मिल चुकी है। एक काम करता हूँ यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ इनके ऊपर धड़ाधड़ ना मैं गन्स की बारिश करता हूँ और आप लोगों ने देखा भाई बैनी शटर ओपन नहीं कर रहा और ओके तेरी ऐसी की जैसे इसने मुझे देख लिया भाई। ओ भाई भाई साहब ओके चल भाई वो तो भागने लग गए, चल तेरी ऐसी की तैसी, बैनी को भाई कुछ होने नहीं दूंगा, कहीं कुछ भी हो जाए गाइस बैनी को कुछ नहीं होने दूंगा, चल तेरी ऐसी की तैसी, बैनी को भाई साहब बैनी को मारने आए। एक काम करता हूँ पहले तो मैं यहाँ पे ना ग्रेनेड फेंक के इनकी सारी गाड़ियों को आग लगा देता हूँ, पहले तो इनकी गाड़ियां जलाता हूँ। चल भाई साहब निकलो यहाँ से और तू भी निकल, उधर पड़ी अपनी इनकी गाड़ियां। ओ भाई मुझे लगा गाइस पीछे से आने लग गए बट पीछे से तो नहीं आए हैं, तो गाइस 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 ये तो भाई मेरे पीछे से आने लग गए। ओके तो भाई साहब इनको मैंने मारा क्या, ये तो पीछे पीछे से आने लग गए भाई, भाई मुझे बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे। गाइज मैंने बैनी को तो बचा लिया किसी भी हालत में, गाइज एक काम करता हूँ आरपीजी मैंने निकाल ली इनकी, पहले तो गाड़ियों को आग लगाता हूँ उसके बाद भाई इनको गन से मारता हूँ, क्योंकि इनको मैं अगर आरपीजी से मारूंगा ना तो दिक्कत मुझे भी होगी और बैनी को भी होगी क्योंकि बैनी की ये छत है, अगर मैं यहाँ पे आरपीजी चलाऊंगा तो अंदर गैराज में भी दिक्कत हो सकती है खड़ी। एक मिनट भाई ये ऊपर पीछे पीछे से चढ़ के आ रहे, एक सेकंड आओ आओ बेटा तुम
जितने भी हो ना तुम आओ सही एक बार, तुम्हारी तो बैंड मैं बजाता हूँ। एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये चढ़ चढ़ के आ रहे हैं ऊपर से। ओ भाई नीचे तो भाई भंडार लगा पड़ा इनका। ओके तो इधर तो मैं भाई साहब अपनी यार भी नहीं चला सकता हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो। ये इन्होंने भाई तंग करके रखा हुआ, एक काम करता हूँ भाई गलती से यार मैं भी नीचे गिर गया अभी, जहाँ पे मुझे आरपीजी नहीं गन निकालनी पड़ेगी। ओके तो इधर भी है, इधर भी है, तो भाई साहब अभी, ओ भाई 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 भाई, एक मिनट भाई, ये ब्लैक ऑप्स के बंदे, एक काम करता हूँ इनको ना किसी को ना पकड़ता हूँ उसको बहुत गंदा टॉर्चर करके ना फ्रैंकलिन की लोकेशन निकालता हूँ। इनसे पूछता हूँ कि तुम लोगों ने फ्रैंकलिन को कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। एक काम करता हूँ पहले देखता हूँ कितने बंदे अभी हैं या नहीं है। एक काम करता हूँ एक बंदे को तो मुझे पकड़ना पड़ेगा और उसी बंदे से ना मैं लोकेशन निकलवाऊंगा फ्रैंकलिन की। भाई मुझे जहां तक लग रहा है ना इन्होंने फ्रैंकलिन को किडनैप करा है, फ्रैंकलिन अपनी मर्जी से नहीं गया है। और भाई साहब यहाँ पे मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बंदे सारे उधर की साइड है, ऊपर तो कोई भी नहीं। एक मिनट कोई गन चला रहा है। ओके भाई तू गन चला पहले, तो इधर आ तू, तेरी ऐसी की तैसी। अब मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, तो गाइस एक काम करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कोई पीछे की साइड पे, क्योंकि किसी की आवाज आ रही है चिल्लाने की। तो ओके गाइस यहाँ से कोई गोलियां मार तो रहा है भाई भाई भाई, एक सेकंड कोई है गोलियां मारने वाला। ओके तो ये दो बंदे खड़े हैं, एक सेकंड आ बेटा तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरे पास गन नहीं है ना, एक सेकंड तेरे को तो इतना गंदा मारूंगा ना, और तेरे से तो मैं फ्रैंकलिन की लोकेशन निकलवा के रहूंगा, तेरी ऐसी की तैसी। आ खड़ा हो, एक सेकंड पहले ना यहाँ पे गाइस कोई गन चला रहा है, पहले तो इसको मैंने बहुत गंदा बेहोश कर दिया है। यहाँ पे कोई है बंदा जो गन चला रहा है, एक सेकंड यार कोई ऊपर से गन चला रहा है या कहाँ से भाई, कोई गन तो चला रहा है और वो एक ही बाकी है, ज्यादा नहीं है भाई, एकदम से सामने आके चलाना। ओके तो मिल चुका है भाई, यहाँ पे चला रहा है, ये देखो भाई कहाँ पे छुप छुप के गोलियां चला रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल यहाँ से। ओके तो अभी भी एक दो है भाई, कहाँ है? तो गाइस मैंने ना भाई इसको उठाया और मैंने बोला भाई चुपचाप फ्रैंकलिन की मुझे लोकेशन दे दे, नहीं तो मैं तेरा इतना बुरा हाल करूंगा ना तू भाई सोच भी नहीं सकता। और गाइस इसने मुझे लोकेशन दे दी है फ्रैंकलिन की, इसने बोला कि फ्रैंकलिन अपनी मर्जी से नहीं आया था हमारे पास, ट्रेवर गया, ट्रेवर ने फ्रैंकलिन को बहुत ज्यादा कूटा और अंडरवाटर माफिया ने बहुत ज्यादा कूटा, देन उसके बाद उन्होंने एक जगह की जिसकी लोकेशन मुझे इसने दी है वहां पे फ्रैंकलिन को किडनैप करके रखा हुआ। पर इसने बोला है कि वहां पे कम से कम नहीं तो 70-80 ब्लैक ऑप सोल्जर है, कोई दिक्कत नहीं है मैं देख लूंगा, बट आज के आज ना मैं फ्रैंकलिन को कैसे भी करके बचा के तो लेके आऊंगा। तो चलो गाइस यार भाई मैंने तो भाई यहाँ पे सारे बंदों को खत्म कर दिया है, अभी यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है, देख रहे हो कितनी सारी लाशें बिछ चुकी हैं बैनी के गैराज के बाहर। तो भाई साहब मैं एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को लाता हूँ और बैनी को ना फटाफट से अपनी गाड़ी देता हूँ, मतलब इसकी गाड़ी देता हूँ ये जो मुझे गिफ्ट करने वाला है गाड़ी मॉडिफाई करके, देन उसके बाद अपनी बुगाटी अटलांटिक उठाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। एक मिनट भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी तो एकदम से यार इन्होंने बैनी के ऊपर अटैक क्यों करा भाई, इसका मतलब ना ये चाहते हैं कि मेरे सारे दोस्तों को भी कैसे करके भाई ये किडनैप करके ले जाए, मेरे से दूर कर दे, मेरे सारे दोस्तों को ट्रेवर मेरे से अलग करना चाहता है, इसकी ऐसी की तैसी। अब तो भाई आज ट्रेवर बचने नहीं वाला, अगर आज ट्रेवर मिला ना तो भाई साहब मैं ट्रेवर को बिल्कुल ही खत्म ही कर दूंगा। एक तो मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहीं पे घुसेड़ देते हैं। और भाई साहब बैनी की हालत देख रहे हो कैसी सी हो रखी है भाई बैनी, ओ भाई। तो गाइस मेरी जो है ना भाई बैनी से बात हो गई, बैनी कह रहा है कि मैं इधर वेट कर रहा था कब तुम आ रहे हो भाई, एकदम से काफी सारे बंदे हैं और उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। और गाइस इसने ना कैसे भी करके ये शटर को बंद कर दिया, भाई साहब बोल रहा है कि शटर के ऊपर बहुत कस कस के बैट वैट मार रहे थे। चल ठीक है भाई बैनी अब तेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तुझे मैंने गाड़ी ला दी है, अब इस पे फटाफट से काम शुरू कर दियो। तो चलो गाइस यार इधर तो भाई बैनी ने और बैनी के असिस्टेंट ने दोनों ने काम भी शुरू कर दिया और ये वेल्डिंग कर रही है, बैनी पता नहीं क्या कुछ चेक कर रहा है। तो चलो गाइस यार ये बैनी बोल रहे हैं कि 2 या 3 दिन में मैं तुमको गाड़ी इतनी खतरनाक बना के दूंगा ना, ये बोल रहा है सारे दुश्मन तुम 1 मिनटों में खत्म कर सकते हो, इतनी खतरनाक ये गाड़ी मुझे डिजाइन करके देने वाला है। भाई मुझे नहीं पता गाइस अब ये मुझे गाड़ी में ऐसा क्या लगा के देने वाला है जिससे कि भाई मेरे दुश्मन भी मर जाएंगे, मतलब भाई पता नहीं है किस लेवल की मॉडिफिकेशन सीखा है, वो तो चलो अभी 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा। बट गाइस मुझे ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि अभी बैनी क्या गाड़ी देने वाला जो इसने मुझे बोला कि तुम्हारे दुश्मन भी मर जाएंगे। गाइस आप लोग को भी एक्साइटमेंट है यार, कमेंट करके जरूर बताना कि माइकल को कैसी गाड़ी बैनी गिफ्ट करने वाला है, और ऊपर से ये लिबर्टी सिटी से मॉडिफिकेशन सीख क्या है पता नहीं गाइस यार, 2-3 दिन का यार वेट नहीं हो रहा मेरे से।
तो चलो यार गाइज, अभी वो जो ब्लैक ऑप का बंदा था ना, उसने गाइज मुझे एक लोकेशन दी है जहाँ पे इन्होंने फ्रैंकलिन को किडनैप करके रखा हुआ है। और मैं कैसे भी करके आज मुझे फ्रैंकलिन को बचा के लेके आना है, क्योंकि भाई अगर एफआईबी की हाइस्ट हमको करनी पड़ेगी ना, जो हमारे लिए लेसर तैयार कर रहा है, तो उसमें फ्रैंकलिन अपना साथ भी दे सकता है भाई। तो चलो गाइस यार, मैं फटाफट से अपनी गाड़ी भगाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ। वो जो मुझे लोकेशन दी थी ना उसने, देखते हैं भाई कैसे ही उन्होंने फ्रैंकलिन को किडनैप करके रखा हुआ। अगर आज मुझे ट्रेवर मिला ना और अंडरवाटर माफिया मिला, मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरे दोस्त है, उनको खत्म ही कर दूंगा। तो चलो गाइस यार, अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ उसी दी गई लोकेशन पे। तो ओके गाइस, मैं अपनी भाई साहब गाड़ी को भगाता गाइस काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ। और गाइस यार, मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा, और तो मैं ना एक अपनी गाड़ी को ना एक तो बहुत धीरे लेके आ रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा तेज भागती है। किसी टाइम में ना इसको ना भाई मैं किसी रेस ट्रैक पे लेके जाने वाला हूँ इस गाड़ी को। मैं गाइस, आप लोग को लगता है कि ये वाली गाड़ी रेस जीतने लायक है यार, कमेंट जरूर करके बताना, क्योंकि ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही स्पीड से भागती है और मैं नहीं चाहता भाई मैं इसको भगाऊं और लोगों के बीच में ठोकूं, क्योंकि यार भाई लोगों के बीच में ठुकती है ना अपनी ही गाड़ी ज्यादा खराब होती है। तो यार मैं नहीं चाहता कि भाई मैं इसको लोगों के बीच में ठोकूं। बाकी यहाँ गाइस यार, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस आ चुका हूँ यहाँ पे जो लोकेशन मुझे दी गई थी। एक सेकेंड, ये लोकेशन यहाँ पे आके खत्म हो रही है। यहाँ पे तो भाई एक नाइट क्लब है टकी लाला करके, भाई क्या यहाँ पे फ्रैंकलिन किडनैप है? मुझे नहीं वो बंदे को तो मैंने इतना ज्यादा मारा था, मुझे नहीं लग रहा भाई वो बंदा झूठ बोल सकता है। एक काम करता हूँ यहाँ पे, ओ भाई बिल्कुल यहाँ पे ही है। और उस बंदे ने बोला था कि यहाँ पे 60 से 70 बंदे हो चुके हो सकते हैं। चल तुम्हारी ऐसी तैसी भाई, यही पे हो सकता है पक्को भैंस की टांग। और यहाँ पे सिंपल बंदे क्या कर रहे हैं अंदर, मुझे लग रहा है ना इन्होंने सिंपल बंदों को भी अंदर मुझे लग रहा है किडनैप करके रखा होगा। भाई सब बंदे देख रहे हो कितने सारे, फेस की तुम्हारी भाई निकल यहाँ से। ओ गाइस मैं तो बहुत गंदा फंस चुका हूँ भाई, यहाँ पे तो बंदा ही बंदा भरा पड़ा है भाई, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक सेकंड, इसके अंदर भी हो सकता है बंदे हो भाई, यहाँ पे तो गाइस काफी सारे बंदे, मैं तो भाई बहुत गंदा फंस चुका हूँ भाई, बच गया यार। ओ एक मिनट, कहां से आ रहा है तेरी ऐसी की तैसी, कहां से आ रहा है? ओके तो गाइस मैं ऊपर की साइड पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है और यहाँ से मेरे निशाने मुझे लग रहा है ना बिल्कुल सही लगेंगे, बट नीचे बंदे भी तो होने चाहिए। तो गाइस गाइस गाइस, इधर तो भाई साहब मुझे लग रहा है काफी सारे बंदे भर चुके हैं और मुझे यहाँ से कोई बंदा दिख नहीं रहा। ओके तो यहाँ पे घुसे पड़े बंदे, एक काम करता हूँ भाई मिनी गन ही निकालता हूँ, मिनी गन से इनको भाई बताता हूँ इनको। एक सेकंड, अब आओ भाई कौन है भाई साहब अंदर, तो कितनी सारी लाशें हमने लगा दी है तुम्हारी भैंस की, अब आओ भाई सामने, अब तो तुम लोगों को मैं उड़ाऊंगा। कहाँ है ये सब भाई, मुझे लग रहा है यहाँ से सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। एक मिनट यहाँ, ओके तो मुझे लग रहा है ना यहाँ पे अंडरग्राउंड जगह जा रही है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इन्होंने फ्रैंकलिन को यहीं पे कहीं पे छुपा के रखा हुआ है। एक सेकेंड यार, अंदर की साइड पे भी बंदे नहीं है भाई, जितने बंदे थे ना वो सारे बाहर की तरफ भाग के आ गए थे, अभी मुझे लग रहा ना एक भी बंदा नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है, बट है भाई है, मिनी गन से डर के ही मर गए मुझे तो लग रहा है आधे तो भाई। ओके तो बाहर की तरफ बंदे हैं भाई, इधर तो लाशें ही लाशें बिक चुकी हैं, बाहर की तरफ कैसे जाऊं? तो गाइस गाइस, बहुत सारे बंदों को यहाँ पे टपकाने के बाद ना मिनी गन से भाई मैंने सारे बंदों को यहाँ पे खत्म कर दिया। मुझे फटाफट से फ्रैंकलिन को ढूंढना पड़ेगा, पहले फिर भी गन छोटी मोटी ले लेता हूँ अपने साथ। मुझे पक्का लग रहा है ना ये दरवाजे पूरे लॉक है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता भाई फ्रैंकलिन, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है भाई नीचे ही कहीं पे बैठा होगा फ्रैंकलिन। एक मिनट यार, नीचे ही ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे दो दरवाजे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो नहीं है, मतलब फिर यहीं पे होगा। एक सेकंड भाई, अंदर जाके देखता हूँ, मुझे वैसे यहाँ पे फ्रैंकलिन दिख तो नहीं रहा भाई। गाइस गाइस गाइस, इन्होंने तो भाई सब फ्रैंकलिन को पूरा बेहोश कर रखा है, मुझे फटाफट से भाई फ्रैंकलिन को उठाना पड़ेगा यार। तो गाइस गाइस, मैंने इधर से भाई फ्रैंकलिन को उठा लिया और फ्रैंकलिन भाई बकता बकता गया बंदों को खत्म करने के लिए। ये देख रहे हो भाई कैसे ही गया, उसको जैसे मैंने गन पकड़ाई ना वो बकता बकता गया ऊपर की तरफ। और ये देखो भाई, उसने बंदे को मुझे लग रहा है मार भी दिया। ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे मुझे लग रहा है बंदे हैं। ये देखो भाई, और भाई साहब फ्रैंकलिन ही मारेगा अब तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। निकलो भाई, ये कहाँ से वैसे आ रहे हैं भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। फ्रैंकलिन अब जो तेरे को जहाँ पे भी कोई बंदा दिख रहा है ना खत्म कर दे भाई उसको। तो फ्रैंकलिन को मुझे लग रहा है यहाँ पे बंदे दिख रहे हैं। तो गाइस गाइस गाइस, इधर तो भाई साहब फ्रैंकलिन अंदर चला गया बाहर। एक मिनट भाई, इधर बंदे हैं और फ्रैंकलिन ने भाई साहब इधर से मारा। ओ भाई मैं तो भाई गंदा ही यहाँ पे अटक के गिर गया। और भाई बाहर की तरफ बंदे हैं जिस हिसाब से फ्रैंकलिन लड़ रहा है, और तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरी गाड़ी को भाई टच करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओके तो भाई साहब फ्रैंकलिन अपना लड़ने पे लगा पड़ा है, मैं भी भाई साहब लग चुका हूँ इनसे लड़ने में।
तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहां से भाई। फ्रैंकलिन अंदर क्या कर रहे गए? फ्रैंकलिन अबे आ जा ना भाई, बाहर आ गया तो भाई। ये फ्रैंकलिन ना यार क्या कर रहा है पता नहीं। चल भाई फ्रैंकलिन फटाफट से बाहर की तरफ आ जा। तो गाइस यार चलो यार अभी हम यहां से निकलते। ओ भाई ये तो एकदम से फिर से बंदे आने शुरू हो गए भाई। ये अब कौन है भाई? ये भी बहुत सारे बंदे आ रहे। तेरी ऐसी की तैसी भाई। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी खत्म कर भाई। फ्रैंकलिन को खुद छुप छुप के मारने में लगा पड़ा है और मुझे भी यार भाई यहाँ पे छुप के ही मारना पड़ेगा। और मेरी गाड़ी कैसी तैसी कर रहा है भाई? तेरी ऐसी की तैसी। गाड़ी को हाथ मत लगाओ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सबको खत्म कर दूंगा। गाड़ी को हाथ मत लगाओ। और भाई साहब ये तो गाइस आते ही जा रहे हैं भाई। एक सेकंड भाई, मुझे ना एक काम करना पड़ेगा गाइस, अपनी बड़े वाली गन ही निकालनी पड़ेगी। चल भाई और इन पे सीधा मत्थे पे मत्था शॉट मारना पड़ेगा। एक सेकंड भाई अब बहुत हो गया। आओ भाई अब मुझे याद आया मेरे पास तो मिनी गन भी है। मिनी गन के सामने तो भाई इनको मैं टिकने तक नहीं दूंगा। आओ 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 भाई अब तो आओ, तुम लोग जितने भी हो ना सब इकट्ठे हो गए, जो कोई दिक्कत नहीं है। आओ आओ भाई सब। ये देखो यहाँ पे गाइस मैंने ना पूरी इनकी लाशों का ढेर बना दूंगा भाई। मिनी गन अगर खत्म हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मिनी गन नहीं भाई, मिनी गन खत्म नहीं होने देगा क्योंकि बाद में भी हमको मिनी गन की जरूरत पड़ेगी। तो चलो गाइस यार अभी हमको ना गन से ही इनको खत्म करना पड़ेगा। मिनी गन की तो बाद में जरूरत पड़ सकती है भाई, मिनी गन से नहीं खत्म करूंगा इनको। ओ भाई यहाँ पे तो भाई बंदों को नहीं ऐसा टपकाना शुरू कर दिया। और गाइस देख रहे हो कितनी सारी लाशें पड़ी है भाई इनकी। गाइस इनकी तो कुछ ज्यादा ही भाई, कुछ ज्यादा ही लड़ रहे हैं यार ये तो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकाल मिनी गन बाहर में जाए, खत्म हो गई तो नहीं ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर इनको वहां भाई बताता हूँ मैं, बहुत हो गया। अभी ऊपर से फ्रैंकलिन भी इनको खत्म करने पे लगा पड़ा है, हम भी इनको खत्म करने पे लगे पड़े हैं। तो भाई ये देखो भाई इनको तो भाई ऐसे तैसे करके खत्म तो करना पड़ेगा। बहुत सारे हैं भाई अभी भी, ये नहीं भाई खत्म होंगे मुझे लग रहा है जल्दी। मिनी गन से तो भाई तभी मैंने मिनी गन निकाली। बंदे आते ही जा रहे हैं, अब थोड़े कम हो गए भाई बंदे आने। एक सेकंड ये किधर से आ रहा है? तेरी ऐसी की तैसी भाई। फ्रैंकलिन तू भी तो ध्यान दे ना। तो चलो गाइस इधर फ्रैंकलिन भी बेचारा मारने पे अकेला लगा तो पड़ा है। वो देखो कहां पे छुप छुप के मार रहे हैं। ओ भाई गाड़ी से दूर हो जा, बोल रहा हूँ तेरे को। ओके गाइस एक बंदा ना भाई यहाँ पे छुपा पड़ा है जिसको भाई फ्रैंकलिन ने खत्म कर दिया। एक इसके पीछे छुपा पड़ा है। ओके वो दे रहा। तो चलो गाइस यार भाई अभी मुझे जैसे भी करके ना यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार मैं और फ्रैंकलिन भाई कैसे भी करके यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि भाई ये देख लो गाइस मेरी गाड़ी का आगे का टायर इन्होंने पंक्चर कर दिया भाई। मुझे अपनी गाड़ी को सेट भी करवाना पड़ेगा। और भाई हमने कैसे भी करके फ्रैंकलिन को तो छुड़वा लिया भाई इतनी बड़ी गैंग से, नहीं तो भाई फ्रैंकलिन बेचारा आज तो मर ही जाता। फ्रैंकलिन ने बोल दिया कि इसको ट्रेवर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर करा है, मतलब भाई इसको बल्ले से बहुत ज्यादा मारा है। और ये बोल रहा है कि कैसे भी करके मुझे रिवेंज चाहिए। और ट्रेवर का रिवेंज ऐसा होगा कि ट्रेवर को बिल्कुल सीधा खत्म किया जाए, ट्रेवर के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं खानी। ये बोल रहा है खत्म ही करना है अब उसको, बहुत हो गया अब उसका भाई, बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है बेचारा यार फ्रैंकलिन। तो चलो गाइस यार ये मेरा घर तो आ चुका है, पर एक काम करता हूँ पहले मुझे अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना पड़ेगा। गाड़ी को पहले जल्दी से रिपेयर करवाता हूँ और फटाफट से अपने बड़े वाले मेंशन पे फ्रैंकलिन को भाई रेस्ट देते हैं। और मैं अभी जल्दी से आके लेस्टर से भी बात करूंगा भाई हाइस्ट का क्या बना। तो चलो गाइस यार अभी मैं अपनी गाड़ी को ना पहले रिपेयर करवाता हूँ, उसके बाद भाई अपने बड़े वाले मेंशन पे फ्रैंकलिन को रेस्ट देते हैं और भाई लेस्टर से बात करेंगे। तो चलो गाइस मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूं और जल्दी से निकलता हूं गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए। ओके गाइस मैं अपनी भाई सब गाड़ी को लेके पहुंच चुका हूं लॉस सैंटोस के कस्टम्स में। और यहां पे गाइस अपनी गाड़ी को ना मैं फटाफट से रिपेयर करवा लेता हूं। देख रहे हो गाड़ी पे क्या ही गोलियों के निशान पड़े हैं, अपनी बहुत गंदी फाइट हुई है भाई। चल भाई इस गाड़ी को ना फटाफट से बस रिपेयर करवा दे और मुझे इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवानी। तो चलो गाइस यार अपनी गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल नई नवेली बन के बाहर आ चुकी है। अभी मुझे फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाना है और फटाफट से अपने घर के तरफ, मतलब अपने घर पे तो अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि FIB की वहां पे चेकिंग चल रही है, मुझे अपने बड़े वाले मेंशन भी जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ अपने रिच मैन मेंशन पे। यार गाइस यार मुझे पता नहीं भाई ऐसा क्यों लग रहा है अपनी बुगाटी को ना हमको यार किसी ना किसी बड़ी रेस में भेजना पड़ेगा। इतनी स्पीड से भागती है ना भाई, लहरती हुई निकल जाती है यार। वो तो मुझे संभालने में दिक्कत हो जाती है पर ये ना भाई पूरी लहरती हुई निकल जाती है यार। तो चलो गाइस यार बाकी ना मैं अपनी गाड़ी को भाई साहब भगाता अपने घर की तरफ आ चुका हूँ। और यहाँ पे तो भाई एक साथ इतने सारे दरवाजे हैं ना, मुझे अपनी गाड़ी को पहले देखना हो किस दरवाजे से मुझे अपनी गाड़ी को एंटर करवाना है। भाई साहब देख रहे हो कितना बड़ा घर है यार अपना, एक तो मुझे दरवाजा ही नहीं मिल रहा भाई। यहाँ पे तो हम नहीं लेके जा सकते, एक काम करता हूँ यहाँ से एंटर, एक काम करता हूँ भाई यहाँ पे मेन दरवाजा है तो यहीं से एंटर करवा लेता हूँ। चल भाई खोल।
एक तो भाई थोड़ी सी टक्कर मारनी पड़ती है, इसके सेंसर भी खराब हो रखे हैं, ये भी हमको सेट करवाने पड़ेंगे यार इसके सेंसर। चलो गाइस यार मैं तो अपने घर पे आ चुका हूँ, अपने जो बॉडी गार्ड्स है ना वो अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे, शायद अंदर ही बैठे होंगे। चल भाई फ्रैंकलिन आ जा, अभी तू तो भाई घर पे अंदर जाके रेस्ट कर ले यार। तो बाकी हाँ गाइस अभी मुझे यार फटाफट से लेस्टर से बात करनी है और उससे बात करके और उससे यही बात करनी है कि भाई हाइस कहाँ तक पहुंची और कितना टाइम और लगने वाला है। मुझे लग रहा है भाई अभी शायद आज का दिन ही लगेगा, क्योंकि मुझे लेस्टर ने बोला था एक दो दिन की बात है, वो सारी हाइस सारे बंदे अपने लिए रेडी कर रहा है, कम से कम हम 5-6 बंदे जाएंगे, लेस्टर ने ये बात बोली थी मेरे को। भाई अपने साथ तो अभी फ्रैंकलिन भी आ चुका है, अब हम दोनों जाके भाई ये हाइस करके FIB मिलिट्री पुलिस ये सबसे छुटकारा डलवा लेंगे, अपने ऊपर जितने भी क्राइम्स है ना उनकी रिपोर्ट उनके पास है, वो सारी रिपोर्ट को हम नष्ट ही कर देंगे। तो चलो गाइस यार करते हैं गाइस इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छे से कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.